कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की 23 साल की नादिया बेग ने संघ लोक सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। अगर अब कुछ यूं कहा जाए कि देश के सबसे युवा आईएएस में से एक होगी कुपवाड़ा की युवती, तो कुछ गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि नादिया ने इस परीक्षा में 350वीं रैंक हासिल की है। नादिया बेग के माता पिता सरकारी शिक्षक हैं। नादिया जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से अर्थशास्त्र स्नातक है। नादिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह उनका दूसरा अटेम्प्ट था। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, कश्मीर से आकर दिल्ली में तैयारी की। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में पुंजवा गांव में कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने के दिन ही उन्होंने आईएएस बनने का ख्वाब देखा था। नादिया ने अपनी स्कूली शिक्षा कुपवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों से की, फिर 12वीं के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से स्नातक की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई। 2017 में स्नातक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। नादिया 2018 के पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। नादिया ने इस परीक्षा में पास होने का श्रेय अपने परिवार और भाई को दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त कराने का तरीका नहीं पता है, लेकिन सारा श्रेय उनके परिवार को जाता है, विशेष रूप से उनके भाई को, जिसने सिविल सेवाओं के लिए पढ़ाई के दौरान उन्हें प्रोत्साहित किया। बताते चले कि इनकी दो बहनें SKIMS और MBBS कर रही है। उनके भाई ने BBA पूरा कर लिया, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा है। बैग ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंटरनेट बैन होने से छात्रों के लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उस समय दिल्ली में थी, यहां उन्हें इस परीक्षा के लिए तैयारी की थी, लेकिन उनके सामने एकमात्र कठिनाई यह थी कि उन्हें अपने परिवार के साथ उस समय जब 5 अगस्त के बाद लॉकडाउन हुआ था संपर्क नहीं पा रही थी। नादिया ने बताया कि उनका वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र था, जिसके लिए वह एक कोचिंग सेंटर गई और बाकी की पढ़ाई उन्होंने खुद की। वह कहती है कि छात्रों से उनकी अपील है कि वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रित रहें। श्रीनगर से फिरदौस कादर की रिपोर्ट। मेरा नाम नादिया बेग है और इस साल यूपीएससी में मैंने ऑल इंडिया रैंक 350 हासिल किया है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें मुझे ये सक्सेस मिली है। मैंने अपनी स्कूलिंग लाइट हाउस पब्लिक स्कूल विलगाम वहाँ से की है। 10th तक मैंने वहाँ पढ़ा है, उसके बाद 11th और 12th मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम से पढ़ा है। 2014 में मैं ग्रेजुएशन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया गई, जहाँ से मैंने इकनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री की। 2018 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया और उसमें मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर पाई। फिर 2019 में मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, इसमें मुझे सक्सेस हासिल हुई। ये सफ़र बहुत लंबा रहता है और डिफ़िकल्ट भी रहता है, क्योंकि इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं और आपको तीनों एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है। पहले ही 2018 में मुझे फेलियर मिला, उसके बाद जो है इस साल फाइनली मुझे सक्सेस मिली है। इसमें इंसान बहुत बार डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत बार डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से और दोस्तों के सपोर्ट से मैं इस जर्नी में जो है सक्सेसफुल रही फाइनली। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है, इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी पड़ती है, आपको अपने गोल पे फोकस रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मिल करके जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको प्रेफरेंसेस भरने पड़ते हैं। मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, लेकिन उतना मेरा रैंक उतना अच्छा है नहीं तो वो मुझे मिल नहीं पाएगा। सेकंड प्रेफरेंस मेरा फॉरेन सर्विस था, मुझे नहीं लगता वो भी मुझे मिल पाएगा। अब देखते हैं रैंक के बेसिस पे मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी, तो देखते हैं जो फील्ड मिलेगा उसमें काम करेंगे। फिलहाल मैं ये लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका लड़की होना आपके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप अपने आप को आप कभी कम ना समझे लड़कों से। मैंने भी अपने आप को कभी किसी भी लड़के से कम नहीं समझा है, लेस इंटेलिजेंट नहीं समझा है। मुझे हमेशा लगता था मेरे हार्डवर्क के बेसिस पे मैं हमेशा हर लड़के को बीट कर सकती हूँ। और आप भी ऐसा ही सोचें, सपने देखें, उन सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करें। ऑब्वियसली ये जो पोस्ट रहते हैं इसमें इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारी बहुत आपका पब्लिक इंटरफेस रहता है इसमें और आप पब्लिक में ही रहते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं भी बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगी, बहुत लोगों की हेल्प करूँगी और स्पेशली लड़कियों की, तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहूँगी। इंस्पिरेशन एज सच तो नहीं, मतलब वैसे नहीं है कुछ, बट ये है कि मुझे पता था मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा
ओरिएंटेशन क्या है मेरा, मेरा ओरिएंटेशन ऐसा ही था तो उसके बेसिस पे मैंने जो है ये फील्ड चूज़ किया। और बहुत सारे लोग हैं जो पास करते हैं बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद, हज़ारों ऐसे लोग हैं, तो वो सारे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन रहते हैं। हर इंसान की स्टोरी अलग होती है, हर इंसान की अलग सी स्ट्रगल्स होते हैं, तो हर तरह से आपको इंस्पायर करती हैं। सर मेरा नाम फैज़ान अहमद बेग है और मैं नादिया बेग का भाई हूँ, आई एम हर ओनली ब्रदर। तो आपने देखा है आज इनको IAS में 350 रैंक जो है वो हासिल हुई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इनके लिए भी और अपने लिए भी और अपने एरिया के लिए भी, अपने स्टेट के लिए भी। तो इन्होंने 12th तक इनका नॉन मेडिकल था, 11th 12th में इनका नॉन मेडिकल था, उसके बाद ये जामिया मिलिया इस्लामिया चली गई ऑन माई इंसिस्टेंस, वहाँ इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया और उसके बाद स्टेट में आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी। इन्होंने GS के लिए कोई कोचिंग नहीं ली और सोशोलॉजी के लिए इन्होंने वाजीरामन रवि से कोचिंग ली और इन्होंने टेस्ट सीरीज़ ली थी विजन IAS से। तो अप्रोच इनका ये रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की, बहुत ज़्यादा सस्टेन रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनके जो एफर्ट्स थे उनका आज मुआवजा दिया है। तो बाकी जो इस एरिया के लोग हैं, बाकी जो लड़कियां हैं इस एरिया की, उनके लिए यही मैसेज है कि दे शुड ट्राई टू इम्यूलेट हर परफॉर्मेंस एंड दे शुड ट्राई टू शाइन लाइक हर। तो थैंक यू। गुलाम अहमद बेग, मैं पेशे से उस्ताद हूँ, बिजवा का रहने वाला हूँ। पहले तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की इनायत है और फिर जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गांव के लोग, इलाके के लोग, डिस्ट्रिक्ट के लोग, उनकी दुआएं हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपनी स्टेट के तमाम लोगों को मुबारकबाद कहता हूं इस पर। और जहां तक बच्ची का ताल्लुक है, बचपन से बहुत अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी बच्ची थी और अपने काम में बड़ी ऑनेस्ट थी, डेडिकेटेड थी, बड़ी फोकस्ड रहती थी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो बचपन से मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मेरी बेटी है या जो मेरी और दो बेटियाँ हैं जो इस वक्त में BBS कर रही हैं JVC श्रीनगर में, तो मैंने उनको बेटों से ज़्यादा प्यार भी दिया है, सपोर्ट भी दिया है और उनकी तरबियत उस तरीके से की है कि उन्हें कभी ये नहीं लगा है कि हम बेटों से कुछ कम हैं। हाँ, मेरी गुजारिश ये होगी कि आजकल के ज़माने में, जैसे पुराने ज़माने में ये जो बड़े लोग थे ये उन्हीं का था, मोनोपोली उन्हीं की थी, आज का दौर जो है बहुत बदल चुका है। आज की जो सोसाइटी है, नॉलेज सोसाइटी है या इंफॉर्मेशन का ज़माना चल रहा है, आजकल पैसों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को या बिलखसूस जो आपकी बेटियां हैं, आपकी उनकी अच्छी तरीके से उनकी तरबियत करें, आप उनको बेटों से ज़्यादा प्यार दें, बेटों से ज़्यादा सपोर्ट दें। नफ्सियाती तौर जो सबसे बड़ी बात जो है, साइकोलॉजिकली जैसे हमारे पेरेंट्स में ये है, बेटियों में ये है कि अगर हम घर से बाहर निकलें तो हम इनसिक्योर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बेटों को इजाज़त देते हैं, वो घर से निकलते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, तो बेटियों के लिए क्या मसला है कि उनको हम घर से बाहर निकलने ना दें। और दूसरी बात जो है, जो हमारे खदशात रहते हैं जहन में कि वैसे तो बेटी के घर से निकल जाएगी फिर पता नहीं क्या होगा, मैं उन्हें ये गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप मुतमिन रहें, आप अपनी बेटियों पर विश्वास रखें, आप उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप उनको पार दीजिए, गिव देम विंग्स सो दैट दे विल बी एबल टू फ्लाई। थैंक यू। मैं एडवोकेट मोहम्मद यासीन भट्ट हूँ फ्रॉम विलगाम। तो उससे पहले मैं टीचर भी रहा हूँ, तो मैं विलगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाँ, एक बात है कि ये इंस्टीट्यूशन स्कूल जो हमारा है, ये हमने 1989 में एस्टेब्लिश किया। उसके बाद यहाँ जो हालात ख़राब हुए, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने, इस स्कूल ने यहाँ इस इलाके रामहाल को तालीम की शम्मा जलाते रखा। इसमें हमारे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने, मतलब जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं और भी हर एक फील्ड में वो हैं। ये जो नादिया बेग है, शी वॉज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसकी और दो बहनें भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर MBBS क्वालिफाई किया। तो इस साल इसने यहाँ पर ये IAS किया। तो ये हमारे, हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए और हमारी एक बिग कंट्रीब्यूशन है कि इतने एक दूर दराज इलाके से इतनी एक बेटी, शी मेड इट टू द IAS।
तो इसकी स्कूलिंग 10th तक हमारे ही स्कूल में हुई। और मेरा ये है कि बेसिक एज ए टीचर आई मीन से कि बेसिक एजुकेशन जो होती है दैट मैटर्स। फिर हायर एग्ज़ाम्स जो होते हैं वहाँ पर भी टीचर स्कूल कॉलेज अच्छा होना चाहिए। बट शी वॉज़ ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और ये तीनों बहनें जो दो डॉक्टर भी हैं तो उन वो भी बड़ी ब्रिलियंट थी, हार्ड वर्किंग एंड ब्रिलियंट, और बहुत अच्छी बेटियाँ हैं। दिस इज़ अबाउट देम। वो बहुत काबिल बेटी है तो शी क्वालिफाइड इट, तो वी आर प्राउड ऑफ हर। हमें इस बात का फ़ख्र है कि इस इतने दूर दराज इलाके से इस एक बच्ची ने डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, अब खुद भी देखते हैं इनको कोई वो नहीं था, उतना बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो शी इज़ व्हाट शी इज़ बिकॉज ऑफ हर ओन सेल्फ कि उन्होंने ऐसा किया, तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए। और सर आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। मैं एडवोकेट मोहम्मद यासीन भट्ट हूँ फ्रॉम विलगाम। तो इससे पहले मैं टीचर भी रहा हूँ, तो मैं विलगाम से ताल्लुक रखता हूँ। दिस इज़ तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल से एक ऐसी स्टूडेंट निकली है जिन्होंने आज आईएएस क्वालिफाई किया है, थोड़ा सा इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, एक बात है कि ये इंस्टीट्यूशन स्कूल जो हमारा है ये हमने 1989 में एस्टेब्लिश किया। उसके बाद यहाँ जो हालात ख़राब हुए तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने इस स्कूल ने यहाँ इस इलाके रामहाल को तालीम की शम्मा जलाते रखा। इसमें हमारे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मतलब जो इसके डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, और भी हर एक फील्ड में वो हैं। ये जो नादिया बेग है शी वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसकी और दो बहनें भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर MBBS क्वालिफाई किया। तो इस साल इसने यहाँ पर ये IAS किया। तो ये हमारे हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए और हमारी एक बिग कंट्रीब्यूशन है कि इतने एक दूर दराज इलाके से इतनी एक बेटी शी मेड इट टू द IAS। तो इसकी स्कूलिंग 10th तक हमारे ही स्कूल में हुई। और मेरा ये है कि बेसिक एज ए टीचर आई मीन से कि बेसिक एजुकेशन जो होती है दैट मैटर्स। फिर हायर एग्ज़ाम्स जो होते हैं वहाँ पर भी टीचर स्कूल कॉलेज अच्छा होना चाहिए। बट शी वॉज़ ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और ये तीनों बहनें जो दो डॉक्टर भी हैं तो उन वो भी बड़ी ब्रिलियंट थी, हार्ड वर्किंग एंड ब्रिलियंट, और बहुत अच्छी बेटियाँ हैं। दिस इज़ अबाउट देम। वो बहुत काबिल बेटी है तो शी क्वालिफाइड इट, तो वी आर प्राउड ऑफ हर। हमें इस बात का फ़ख्र है कि इस इतने दूर दराज इलाके से इस एक बच्ची ने डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, अब खुद भी देखते हैं इनको कोई वो नहीं था, उतना बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो शी इज़ व्हाट शी इज़ बिकॉज ऑफ हर ओन सेल्फ कि उन्होंने ऐसा किया, तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.